एम्प्लॉईज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के ने फंक्शनल टेन्योर 2023-2024 का हुआ शुभारंभ। अनुप खन्ना बने आईआईए के नए चैप्टर चेयरमैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। दिल्ली रोड स्थित होटल ऑफिस में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के ने फंक्शनल टेन्योर 2023-2024 का शुभारंभ किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण व मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजीत सिंह महापौर पहुंचे। इस अवसर पर निवर्तमान चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सदाना द्वारा सहारनपुर चैप्टर के नवयुक्त चैप्टर चेयरमैन अनुप खन्ना को आईएए का फ्लैग एक्सचेंज करते हुए आईएए सहारनपुर चैप्टर का कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान कार्यक्रम में नवयुक्त चैप्टर चेयरमैन अनुप खन्ना को कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथिगणों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं सभी लोगों ने नवयुक्त टीम को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने क्या कहा देखिए। पहली बात, आज नई कार्यकारिणी ने अपना कार्यभार लिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके नेतृत्व में सहारनपुर के उद्योग को नए पंख लगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बन रहा है, इसमें किसी भी तरह का कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। अभी आपने देखा, उसका ताज़ा उदाहरण है जो प्रदेश में परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो उद्योग हैं वो बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश है जो सेवा सुरक्षा सुशासन इस पर काम करता है, जिसका परिणाम है कि अभी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो जो अपेक्षा थी उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने अपना विश्वास दिखाया। आज क्लस्टर्स बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके तेज़ी के साथ काम हो रहा है। जो क्लस्टर भी बन रहे हैं बिल्कुल ये सोच के बन रहे हैं आने वाले 2 दशक कैसे होंगे, और जो देश की 1 ट्रिलियन इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं, देश को तीसरे स्थान पर ले जाने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आईआईए के नवयुक्त चैप्टर चेयरमैन अनुप खन्ना ने पदभार संभालते हुए क्या कहा, सुनिए। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन बेसिकली किसी धर्म से या किसी पार्टी से जुड़ी हुई संस्था नहीं है। हम बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी भी की सरकार होगी, हम उसी तरह उद्योग में काम करते रहेंगे जो पहले करते आए थे। हमें मायावती जी की गवर्नमेंट के समय में यूपी गवर्नमेंट ने 5000 स्क्वायर मीटर गोमती नगर लखनऊ में एक लैंड दी थी, जिस पर आज भव्य इमारत बनी हुई है, और लगभग सभी जिलों में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के चैप्टर चल रहे हैं। और मेरा कम से कम ये रहेगा कि इस बार सभी संप्रदाय के लोग इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ जुड़े। आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने कार्यक्रम के दौरान नवयुक्त चैप्टर चेयरमैन अनुप खन्ना को बधाई देते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, सहारनपुर जो है पहले से ही कार्यरत है, और सहारनपुर के अंदर जो नए चेयरमैन बने हैं बहुत ही डायनेमिक हैं, और पूर्व के समय में 15-20 वर्षों से वो उद्योग से जुड़े हुए हैं, आईआईए से जुड़े हुए हैं, और सहारनपुर के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, और सकारात्मक रवैया जो है सरकार का, उसकी वजह से उद्योग जो है बहुत चमकने के चांसेस हैं। अब कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती, क्योंकि सहारनपुर के अंदर जो उद्योग बंधु जो कार्य कर रही है बहुत सुचारू रूप से कर रही है, और आईआईए जो अपना काम कर रही है बहुत ही सुचारू रूप से कर रही है, और पूरे प्रदेश में इस समय एक परचम फैला हुआ है आईआईए का, और प्रदेश के अंदर जो सकारात्मक रवैया है सरकार का, उसकी वजह से उद्योग अच्छा चल रहा है, पनप रहा है और पनपेगा। कार्यक्रम में प्रमोद मिगलानी, संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजुरानी, महिला उद्यमी रश्मि टेरस, सलोनी जाटव, पूनम भार्गव, संजय बजाज, राकेश गांधी, विनय दहुजा, नवीन टक्कर, परमजीत सिंह, परविंदर सिंह, राजेश सप्रा, कुलदीप धमीजा, संजय अरोड़ा, मदन लाल अरोड़ा आदि सभी लोगों ने बूके देकर नवयुक्त चैप्टर चेयरमैन का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची महिला उद्यमी ने क्या कहा, सुनिए। एक्चुअली अभी तक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के हमने ये सोचा है कि जो लेडीज बहुत पीछे हैं, एक्चुअली काम तो वो कर रही हैं। पहले क्या होता था कि नाम लेडी का रहता था और काम जेंट्स करते थे, नाउ देयर इज ए चेंज। काम तो लेडी कर रही है फैक्ट्री में बैठकर, नाम जेंट्स कर रहे हैं, तो उस लेडी को अब सामने आना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो बिहाइंड द कर्टन वो काम कर रही है, उसको भी सामने आना है, और हम उनको एक मोटिवेशन देना चाहेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं तो आप सामने भी तो आइए, आप ऐसे क्यों पीछे बैठी हुई हैं। और साथ ही साथ एक लेडीज़ के अंदर इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए,
एक अर्निंग हैंड होना चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है। तो दैट व्हाट आई एम थिंकिंग आई गिव देम द मोटिवेशन कि एज आई एम सिटिंग हियर सो यू कैन ऑल्सो सिट हियर बिकॉज दिस सीट इज़ फॉर 2 years मैक्सिमम, सो आफ्टर दैट ऑन द सेम सीट लेडीज शुड बी देयर, नॉट लाइक दैट कि आफ्टर दैट अगेन द मेल पर्सन विल कम ऑन द सेम सीट। तो चाहेंगे कि अच्छा और उद्योगों को जो बढ़ावा मिलना है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, तो इसमें आई होप सो कि यूपी तो नंबर वन पे चल ही रहा है और यूपी के अंडर सहारनपुर को आम इंटरेस्ट है, इट शुड बी ऑन नंबर वन, जैसे कि इलेक्शन में नंबर वन रहा है कि सबसे ज़्यादा पोलिंग यहाँ का हुआ, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री में भी आगे जाएगा। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अनूप गुप्ता व उनकी टीम सहारनपुर पश्चिमी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोजा, महासचिव सुरेंद्र सिंह चावला, जिलाध्यक्ष शीतल टंडन, कामधेनु कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष राजकुमार अरोड़ा, महासचिव अतीश गुप्ता, गुलशन कुमार, प्रेम क्वात्रा, अरविंद खन्ना, संजीव सचदेवा, देहरादून रोड औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ऋषभ अग्रवाल, प्रियेश गर्ग, संजय अरोड़ा, कुलदीप धमीजा, विनय दाहूजा, मदन लाल अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, गोरांग अरोड़ा, संजय कालडा, नरेश शर्मा, सोमदत्त जाटव, परमजीत सिंह, कवरजीत सिंह, राजकुमार सडाना, राजीव सडाना, अभिनव सैनी, आकाश सडाना, अरविंद मित्तल, गौरव गोयल, विकसित सकूजा, अभिषेक मिगनानी, त्रिभुवन पाल, नीरज मिड्डा, रजनीश तनेजा, सुनील सूरी, सुनील सुखीजा, शिवम नागपाल, रोहित डीगरा, जतिन अरोड़ा, सिद्धार्थ छाबड़ा, रोहित गिरधर, संयम गुलाटी, संयम सेठी आदि के अलावा लगभग 300 से ज्यादा इस कार्यक्रम में सदस्य पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।